कोहली SBI व रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली अंतर्राज्यीय टोली के 3 सदस्य नागपुर ग्रामीण पुलिस के हाथ लगे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिल्पा राजीव पालपर्ती, कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह उर्फ रमेश शर्मा, मोहम्मद दानिश जिशान आलम उर्फ राशिद अनवर आलम का समावेश है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक विजय मगर और उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्र निकम ने पत्र परिषद में बताया कि सावनेर के खुरजगांव निवासी सतीश प्रकाश आढ़े की 26 जुलाई 2021 की शिकायत के अनुसार आरोपी अमित कोवे, शिल्पा पालपर्ती और रमेश कामोने ने आढ़े की पत्नी को वेकोली या SBI बैंक में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11,17,000 लेकर ठगी की है, जिसके बाद केलवत पुलिस ने जांच के बाद 1 जनवरी 2022 को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान ही आरोपी सुरेंद्रगढ़ निवासी अमित कोवे ने जनवरी 2022 को धंतोली के पत्रकार भवन के पास जहर पीकर जान दी थी। मृतक के मोबाइल की जांच में कोवे द्वारा नागपुर शहर व ग्रामीण, गोंदिया, भंडारा, अमरावती और वर्धा के अनेक युवाओं से नौकरी के लिए लाखों रुपये लिए जाने का पता चला था। इसी के साथ ही कोविड द्वारा वर्ष 2019 से पटना के कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और मोहम्मद दानिश को 1,30,00,000 रुपए की रकम दिए जाने की जानकारी सामने आई थी। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सावनेर न्यायालय में पेश किया था। केलवत पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल है 9/2022। इसमें जो है कि अभी तक जो आरोपी अटक है उसमें एक पहला कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और दूसरा जो आरोपी है वो मोहम्मद दानिश जिनेश आलम, ये पहले मार्च में हमने अरेस्ट किए थे। इसमें तीसरा जो नाम आया शिल्पा पालपर्ती वो पालपर्ती, तो वो जो है उनका इसमें मेन रोल अभी तक आ रहा है। इसमें एक मयत अमित कोहे है जिसको उन्होंने पैसे उनके पास पैसे दिए थे और हमारे विदर्भ में जो बोलते हैं कि नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर सिटी, इस एरिया में से सभी लोगों जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए थे सर्विस के लिए। उसमें से ज़्यादातर WCL के बच्चे हैं, WCL में सर्विस लगाने के लिए या SBI में सर्विस लगाने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा उन्होंने अभी तक रोल उसका अभी तक आया है। उनको सुबह अरेस्ट किया है और 10 दिन का उसमें PCR लिया है। ये रैकेट कैसे काम करता था, कौन मास्टरमाइंड था, कहाँ कहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से राज्य के लोग थे, बताइए। अभी तक महाराष्ट्र के लोगों का जिसका इसमें ये हुआ है फसवणूक हुई, तो महाराष्ट्र के बच्चे की ज़्यादा दिख रही है धोखाधड़ी जिसके बारे हो रही है। और इसमें मेन रोल है शिल्पा पालपर्ती का और इसके साथ जो अमित कोवे था वो तो मैं थोड़ा, तो अभी तक हम इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके जो और कौन है उसका अरेस्ट करेंगे। ये रैकेट कैसे काम करता था, थोड़ा डिटेल में बताइएगा, पूरा कैसे काम करता था, कौन कौन से राज्य में फैला था, कैसे लोग आते थे, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता था और कैसे पैसे ठगते थे। ये रैकेट ऐसा है कि इसमें जो बच्चे जो उम्मीदवार बोलते हैं हम कि जो कहाँ भी सर्विस के लिए ज़्यादातर उनका अभी बेकारी में जो उसका ऐसा चालू रहता है तो उससे पैसा लेना, ऐसे लोग ये करने का, उसके ऊपर जाल बिठाने का और उसको फिर इतने पैसे दो हम सर्विस देते हैं, तो दूसरे को जाके भी उसको मिलाते थे और वहाँ से उनका जो व्यवहार होता था वो पैसे बच्चे पहले से ही दे देते थे, उसमें से उसको फिर घुमाया फिराया जाता था कि जैसे कि वे दिल्ली गए, औरंगाबाद गए, अभी ऐसे कुछ जगह से उनको दिखाए, WCL में दिखाया, SBI में फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ये ऐसे करके उनको सिर्फ घुमा फिरा के पैसे का इसमें हड़प कर रहे थे। इसमें 1,30,00,000 रुपए का अभी तक आया। पूरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में और इन्होंने ऐसे अभी ऐसा ऐसा इतना रोल देश में नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र में से विदर्भ के प्रांत के जो जिले हैं उसमें आ रहा है और हो सके उसमें और भी स्टेट में ऐसा भी किया होगा। आरोपी पकड़ा है वो बिहार का भी आरोपी दिख रहा है, इसमें बिहार के भी आरोपी है, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं कि बिहार के लोगों को अभी तक हमारे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं आया। बॉस ने मीटिंग बुलाई क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो,
बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।